जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय श्री राम। लाइव आने का कारण विशेषता यही है कि मैं देख रहा हूं काफी वायरल हो रही है वो वीडियो जो मैंने अनाउंसमेंट किया कि पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपए तीनों परिवारों को मेरी तरफ से दिए जाएंगे। तो मेरी पहली तो गुजारिश आपसे कि उसको इतना वायरल ना करें कि जिससे कि वो मैसेज बनता बनता एक गलत मैसेज चला जाए। ठीक है, जो हम 600 मीटर्स कार्यक्रम में सोचकर तो मैं गया नहीं था कि मैंने ये करना है। बाबा ने मुख से निकलवाया और मैंने बोल दिया। मेरे दिल के अंदर संवेदना थी उनके लिए, पीड़ा थी। और दूसरी चीज, मंदिर कमेटी को सभी लोग उसके लिए कसूरवार मानते हैं, तो मेरे तक जो सूत्रों के हवाले से स्लाइड लेफ्ट स्लाइड राइट कि जो 3 मृत्यु हुई वो आगे ही आगे बैठे थे और रात को बहुत जल्दी आ गए स्लाइड राइट और आगे आकर बैठ गए थे। इन 600 मीटर्स टर्न राइट टुवर्ड नेशनल हाईवे 44 या फिर नींद में या फिर बेहोशी की हालत में एकदम से जब बैरियर खुला तो पीछे से भीड़ आई और वो भीड़ कंट्रोल ना होते हुए आगे चली गई। प्रशासन ने मंदिर कमेटी को पिछले 11 पे बताया था कि आपको जगह बड़ी करनी चाहिए, जिसके तहत मंदिर कमेटी ने पीछे ग्राउंड भी बड़ा किया जिससे कि भक्तों को तकलीफ ना हो। जब इतनी बड़ी बात हो जाती है तो कहीं ना कहीं टर्न राइट टुवर्ड कि मंदिर कमेटी आने वाले समय में अच्छा और अच्छा सहयोग करेगी, मगर हम अपने ही शाम टर्न लेफ्ट ऑनटू नेशनल हाईवे 44 बाबा के दर्शन करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। हम इतना भी ना बोले कि जिससे कि वो भी तो इंसान है हमारी तरह साहब, उनके भी परिवार हैं। 18-18 घंटे 20-20 घंटे वो परिवार ड्यूटी देते हैं मंदिर के अंदर, किसके लिए? हम सबके लिए देते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चीजों को समझें उसके बाद ही उस पर बात करें। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि मैं मंदिर कमेटी का पक्ष कर रहा हूं या कुछ, क्योंकि मैं बहुत साधारण सा इंसान हूं। ना मुझे मंदिर कमेटी ने कहा, ना मैंने मंदिर कमेटी से कोई बात करी, लेकिन मेरे पास क्योंकि बहुत सारे सूत्र हैं, सरकारी भी हैं और वहां पर जो मौजूद थे उसी समय वो लोग भी मैं मिला उनसे, क्योंकि मैं जानना चाहता था ये कैसे हुआ। तो प्रशासन ने पिछले एकादशी को कहा था कि आपको जगह बड़ी करनी चाहिए भक्तों के दर्शन के लिए, पीछे ग्राउंड में व्यवस्था करी गई थी और मैं खुद उस को देखने के लिए 2-2.5 किलोमीटर घूमकर बाबा का दर्शन, फिर मैंने लाइन में लगकर भी उसका आनंद लिया दर्शनों का। तो कहीं पर भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कहीं ना कहीं हमें समझना चाहिए इस बात को और कोई नहीं चाहता कि ऐसा हादसा हो जाए। तो आप सबसे निवेदन, हम आगे की तैयारी, बीता समय ना लौटे आगे की तू फिकर कर, जितना बने बना ले जीवन प्रभु का बनकर। तो आप सभी से, और बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है कि हम भी कुछ देना चाहते हैं, तो हम भी कुछ देना चाहते हैं। तो मुझे नहीं पता, वो परिवार जरूरतमंद नहीं है। मैंने जो आह्वान किया वो अपने भजन प्रवाहकों से किया है, मैंने आम जनता से निवेदन नहीं किया कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और ऐसे कोई किसी की मदद लेता भी नहीं। क्या पता, क्योंकि अभी वहां माहौल ऐसा है कि मेरा उनसे इस विषय में बात करना भी उचित नहीं होगा। तो जब 10-12 दिन हो जाएंगे उसके बाद हम उनसे बात करेंगे, जैसा भी होगा उस परिवार को हम, मैं उनसे अभी भी अगर वो मेरी बात सुन रहे हो तो मैं हाथ जोड़कर सच्चे दिल से उन्हें कह रहा हूं कि आप खाटू आना मत छोड़िएगा, क्योंकि बाबा का दरबार है। ऑलरेडी जब ऐसी वारदात हो जाती है तो धाम बदनाम होता है, और हम सब इस बदनामी को खत्म करें, बार बार उस चीज को रिपीट कर उसको शेयर कर हम अपने धाम को बदनाम ना करें। खाटू धाम में बड़ी मुश्किल से ये मेले आने शुरू हुए हैं, हम इनको और बढ़ाने की जगह हम घटाने की बात ना करें। मेरा आप सबसे निवेदन, करबद्ध निवेदन। तो मेरा